ऑडियंस हम सबको एक थ्रिलर बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? सो तैयार हो जाइए एक और एज ऑफ द सीट थ्रिलर के लिए विद Z5's जाबाज हिंदुस्तान के, जिसमें स्टार कास्ट अमेजिंग है, जिसकी सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग है अब तक के टीजर से जितना पता चला है। तो बात करने के लिए वी हैव द फिल्म्स डायरेक्टर, सीरीज डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनर सुजीत मुखर्जी। इनसे हम ढेर सारी बातें अबाउट द सीरीज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुजीत, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. So of course, teaser abhi release hua hai and it's already garnered a lot of praise. So please, thoda sa series ke baare mein share kijiye. Dekhiye, ye jo series hai, ye I would call it an cop action drama thriller. Okay. Agar aisa kuch mixed genre mumkin hai, iska naam lena, to wo kahunga main isko. Aur ye jo hai, ye it's kind of a tribute to the brave IPS officers जो हमारे देश के लिए अपने मतलब जान की बाजी लगा के दिन रात एक करके अपने families को sometimes families को time ना दे के पूरा एकदम पूरी तरह से देश को अपना time दे के अपना dedication की मरफत एक बहुत सारा जो मिशन होते हैं, डेंजरस मिशन जो होते हैं, वो मिशन अंडरटेक करते हैं, उनके उनके तरफ ये हमारे तरफ उनके लिए ये हमारे तरफ से एक ट्रिब्यूट है। और ये किसी एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर नहीं, ये बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स के लाइफ से इंस्पायर्ड हुआ एक फिक्शनल टेल है। एंड हमें तो बहुत बहुत दिनों बाद एक्चुअली एक्शन जॉनरा में कुछ करने को मिला, तो I am very very excited about this series. And शुरू में जो आपने बातें बोली, चार शब्द आपने ऐसे बोले जो एक इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट के लिहाज से। आपने बोला कॉप, आपने बोला एक्शन, आपने बोला थ्रिलर, आपने बोला ड्रामा। तो ये चारों जब साथ में मिलकर आएंगे तो किस तरह का तहलका ये मचाएगी सीरीज, आई कैन जस्ट इमेजिन। बट ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ? जैसे आपने कहा इट्स अ ट्रिब्यूट जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है टू ऑल द यू नो पुलिस ऑफिसर्स जो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आइडिया डेवलप कहाँ से हुआ? आइडिया वैसे एक्चुअली आइडिया तो बहुत दिनों से डिस्कशन में था विद Z5, फिर जगरनॉट प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत ही मतलब उनका बहुत ही बड़ा तजुर्बा है ऐसे शोज का, मतलब जिसमें आर्म फोर्सेस दिखाए जाए या फिर पुलिस के बारे में हो या फिर नेवी एयरफोर्स। तो ये जो जोन है इसमें वो बहुत ही माहिर है और उनके प्रोड्यूस किए गए शोज बहुत ही पॉपुलर हुए हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। सो व्हेन Z5's आइडिया जो हम वैसे डिस्कशन में थे ऑलरेडी, जगरनॉट केम ऑन बोर्ड, तो फिर धीरे धीरे करके हमने अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे ब्रेवरी के जो मिसाल है, जो कहानियां हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स के जो दास्तान है वो हमने इकट्ठा किए, फिर उसको एक थ्रेड से उसको पूरा कनेक्ट किए और फिर ये फिक्शनल एक कैरेक्टर बनाए। और फिर एंड बहुत इंटरेस्टिंग जो है कि दिस इज अ शो विच इज ट्रूली पैन इंडियन, बिकॉज यू नो वी शॉट अक्रॉस 7 सिटीज, एज इन वी स्टार्टेड विद शिलोंग, देन वी गॉट टू गुवाहाटी, देन वी गॉट टू जयपुर, देन वी गेंट टू जैसलमेर, देन वी वेंट डाउन द कंट्री टू कोची एंड अलेप्पी, और मुंबई में तो शूट हुआ है जाहिर है। तो मतलब it kind of travels across the country, it's like length and the breadth of India. So the name again captures ye jo jabaz hindustan ke hai ye truly hindustan ke hai, matlab it covers the tales of bravery and tales of great courage and valor across the country. So bahut isme matlab ye iska usp yahi hai, right. Also USP, मुझे आपकी स्टारकास्ट भी लगी। ऑफ कोर्स कहानी जो होती है, जो स्टोरी है, कहाँ शूट हुई है, वो सब मायने रखता है, लेकिन उस सबको एग्जीक्यूट तो हमारे लिए एज एन ऑडियंस करते हैं स्टार्स। ऑफ कोर्स रजीना है,
मीता जी हैं, वरुण सोपती हैं, सुमित व्यास हैं, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे और जाने पहचाने लोग हैं जिनको नाम से हम भले ना जाने पर काम से जानते हैं। सो ये कमाल की एंसेंबल कास्ट कैसे आपने इकट्ठा करी? ये एक चीज है, मुझे लगा कि अगर आपको एक एक कामयाब पैन इंडियन शो बनाना है तो आपको पहली बात तो ये है, आपको ये वो जो यूपी और नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 100 में से 90 वेब सीरीज बिहार और यूपी के हार्टलैंड में सेट होते हैं। मुझे लगा कि इंडिया इज मोर देन दैट, हमारा देश बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही डाइवर्स है, तरह तरह के लोग, तरह तरह के भाषा, डायलेक्ट, लैंग्वेज, कस्टम, हैबिट्स। हाँ, एक यूनिफाइंग फैक्टर है सब, अगर यू आर फ्रॉम द पुलिस फोर्स और द आर्म फोर्सेस, सब देश के लिए जान देने के लिए हाजिर है। तो ये जो कनेक्टिंग थ्रेड है, इससे हमने जैसे स्टोरीज में भी किए, कास्ट में भी वी हैव ट्राई टू कीप अ वेरी पैन इंडियन कास्ट। सो यू हैव रेजीना एंड यू ऑल्सो हैव गायत्री ऑफ सुपर डिलक्स एंड विक्रम फेम, सो यू हैव गायत्री एंड रेजीना फ्रॉम द साउथ, यू हैव वरुण, यू हैव मीता जी, देन यू हैव चंदन रॉय फ्रॉम ऑफ पंचायत फेम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड यू ऑल्सो हैव सुमित व्यास। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक बुफे है ऑफ एक्टिंग स्टाइल्स, ऑफ डायलेक्ट्स, ऑफ एक्सेंट। और हमने सबको कहा, सारे एक्टर्स को कहा कि आप अपने नेचुरल एक्सेंट में बात करेंगे। तो इससे क्या हुआ, द साउंडस्केप ऑफ द सीरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। सो यू हैव अ तमिलियन एक्सेंट क्रिस क्रॉसिंग विद अ दिल्ली एक्सेंट, क्रिस क्रॉसिंग विद अ लखनवी एक्सेंट, क्रिस क्रॉसिंग विद अ बिहारी एक्सेंट। सो आपका साउंडस्केप भी एकदम पैन इंडियन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये भी खासियत है इस सीरीज की, कि मतलब ये पूरे देश को कवर करता है विजुअली एज वेल एज साउंड वाइज। करेक्ट करेक्ट। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से भी, आपसे जानकर भी, कि ये पैन इंडियन फ्लेवर जो है ये आपने ऑफकोर्स आपके जो स्टोरी है उसमें रखा है या चॉइस ऑफ एक्टर्स में रखा है, एंड ऑल्सो इसकी जो रिलीज हो रही है वो हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु में भी हो रही है, सो वो पैन इंडिया रीच यहाँ पर भी है। Absolutely. And also if you look at the kind of languages which have been used, so there is a lot of there is a fair amount of Khasi use, because कहानी शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां से वहां के जो एक्टर्स है उनको हमने कास्ट किया है, उनका नॉर्मल जो एक्सेंट है वो हमने रिटेन किया है, हमने रेजिना का तमिल जो एक्सेंट है वो हमने रिटेन किया है, मिता जी का है, तो इट गिव्स अ वेरी नेशनल फ्लेवर टू द एंटायर सीरीज हमें लगता है। Right. And I think ये as an audience देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, because I truly agree with you, जैसे आपने कहा कि हमें वो एक सर्टन स्टेट के एस्पेक्ट से निकल के देखना होगा टू एंजॉय ट्रू एंटरटेनमेंट। बट शूटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि यू गॉट ग्रेट एक्टर्स स्टॉलवर्ट लाइक मीता जी भी हैं, तो वो इन सब को संभाल के रखना, क्योंकि एज एन डायरेक्टर कमान तो आप ही के हाथ में थी इन सब की, तो वो कैसा रहा सुजीत जी? बहुत बहुत मजा आया, बिकॉज वी वर शूटिंग बट वी वर ऑल्सो ट्रैवलिंग लाइक almost like foreign tourists, because बाहर से जब tourists आते हैं तो यही locations पे जाते हैं, they go to Kochi, they go to Jaipur, they go to Jaisalmer, they go to Shillong, तो हम भी मतलब almost it's a very touristy experience, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ गए ना वो मतलब जैसे कि रूट ब्रिज में हमने शूट किया, which is such a beautiful location and it is also such a touristy location, जैसे हवा महल हो या फिर जैसलमी में रेगिस्तान हो या फिर बैक वाटर्स में हमने क्लाइमैक्स शूट किया, स्पीड बोट चेज, वो क्लाइमैक्स अलेप्पी के बैक वाटर्स में शूट किया, तो वी हैड अ ब्लास्ट, मतलब बहुत मजा आया। एंड मीता जी तो मतलब बहुत सारे ढेर सारे कहानियां वो बोल देते शूटिंग पे, श्याम बेनेगल जी के, गोविंद निहालिन जी के, मणिकौल जी के, तो वो सारे कहानियां सुन के बहुत इंस्पायर्ड भी हम होते थे। फिर रेजिना यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज ऑफ हर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस डाउन साउथ,
गायत्री, then of course Chandan, Chandan Roy. We used to have a great time together because I loved him in Panchayat and I always, you know, wanted to work with him. तो उनके भी अपने अपने कहानियां हैं उनके देश के उनके रीजन के. तो सो ऐसे ट्रैवल करने में और कहानी सुनने में और बहुत सारा मतलब बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुजीन हमने ट्राई किए और खाने के बहुत सारे लोग शौकीन भी थे सेट पे. मैं तो बहुत था. तो वी हैड अ ग्रेट टाइम. राइट. और नाउ सिंस दिस इज कमिंग ऑन Z5 व्हिच इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज अ डायरेक्टर हाउ डू यू सी दिस स्पेस, क्योंकि सडनली इसमें जो बूम आया है एंड थैंक्स टू दिस स्पेस जो एज अ ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स एज क्रिएटर्स दोनों को ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एंटरटेनमेंट को, यू नो, बड़े होराइजन में देखने का. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? नहीं, बहुत बढ़िया है ये डेवलपमेंट जो है. पहली बात तो ये है कि 2 घंटे 2.5 घंटे में सारे कहानियां नहीं कह जा सकते. तो right. उसके लिए जो आपको अभी एक 8 एपिसोड 9 एपिसोड का एक टाइम मिलता है टू डेवलप कैरेक्टर्स, टू डेवलप कैरेक्टर आर्क्स. आप एक किरदार के एकदम अंदर घुस सकते हो, एक किरदार का एक ग्राफ, एक जर्नी ट्रेस कर सकते हो कहानियों का भी. तो ये एज अ स्टोरी टेलर तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल गया है, समथिंग विच हैज स्पीकर्स, यू नो, जिसका एक ऑडियंस है. दूसरी बात यह है इसके वजह से जो हमारे ब्रिलियंट एक्टर्स है, जो स्टार सिस्टम या फिर हायरार्की या फिर सिनेमा का जो एक अलग एक स्ट्रक्चर है, एक पैराडाइम है, उससे निकल के आज मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, शेफाली शाह, इन लोगों के पास डेट्स नहीं है. right. ज्यादा खुशी की खबर कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि दीज आर द पीपल हु एक्चुअली, यू नो, आर द ग्रेट एक्टर्स दैट वी हैड एंड दे डिजर्व ऑल द अक्लेम. दे डिजर्व ऑल द, अभी कुछ दिन पहले कंप्लेन कर रहे थे नहीं उनके डेट्स नहीं मिलते, वो बहुत अभी उनके रेम्यूनरेशन बहुत बढ़ गया है. तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, ये अब हो रहा है, दे रहा है, दुरुस्त है, मुझे तो बहुत खुशी है. right. मुझे तो बहुत, अगर मुझे बहुत हाई रेम्यूनरेशन देना है, मैं इन एक्टर्स को देना चाहूंगा जो एक्चुअली अच्छे एक्टर्स है, मतलब जो स्टार्स से ज्यादा एक्टर्स है, जो एक्चुअली अपने किरदार को अपना सब कुछ देते हैं. तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट एंड इसके लिए हम ऑब्वियसली ये ओटीटी रेवोल्यूशन के शुक्रगुजार हैं. अच्छा, एज एन ऑडियंस, जैसे मैंने शुरू में कहा थ्रिलर एक जॉनर है जिसको सब पसंद करते हैं, मैं आपसे अब सवाल पूछूंगी कि एज एन ऑडियंस एंड एज अ डायरेक्टर किस तरह का जॉनर या किस तरह का सिनेमा या किस तरह का एंटरटेनमेंट है जो आप देखना और बनाना पसंद करते हैं? तो पहले आप एज एन ऑडियंस बताइए. एज एन ऑडियंस तो एनीथिंग इन द सेंस, मुझे ऐसा कोई मतलब खास लगाव किसी पर्टिकुलर जॉनर से नहीं है. मुझे कॉमेडीज बहुत पसंद है, मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है, मुझे लव स्टोरीज भी बहुत बहुत पसंद है, हॉरर भी बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स फिल्म भी बहुत पसंद है. लेकिन एज अ मेकर समहाउ मुझे लगता है, या मुझे पता नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर कहानी बेसिकली एक थ्रिलर है. मतलब अब आप हर कहानी को बेसिक स्ट्रक्चर वाइज अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको एक थ्रिलर ही दिखेगा. मतलब एक लव स्टोरी भी जो सेटअप है, जो क्लाइमैक्स है, जो प्री क्लाइमैक्स है, जो रेवलेशन है, जो ट्विस्ट टर्न्स, ये सब है. अभी ये जो जार्गन्स हम यूज कर रहे हैं वो थ्रिलर से एक उसका ताल्लुकात है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ लव स्टोरी एज वेल और अ स्पोर्ट्स फिल्म एज वेल. सो एट अ वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल लेवल मुझे लगता है हर कहानी एक थ्रिलर है. Right, वेरी वेल सेड. और जाते जाते, बिकॉज जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये बहुत कुछ है जो हमें परोस कर दे रहा है एज एन ऑडियंस. ऐसे में आपकी सीरीज जब रिलीज होगी, एज अ डायरेक्टर व्हाट इज द वन थिंग जो आप ऑडियंस को कहना चाहेंगे टू वॉच द सीरीज?
वो जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये जो सीरीज है इसका यूएसपी है कि ये एक्चुअली मतलब जितना हो सके एक 8 एपिसोड की सीरीज में जितना हो सके अपने जो जो विशाल जो वास्ट जो वर्सटाइल जो डाइवर्स देश है ये उसकी कहानी है, उसकी जाबाजों की कहानी है, इस देश का कोई एक हिस्से की कहानी नहीं है, इट ट्रैवर्सेस द एंटायर कंट्री लिटरली, एंड इसीलिए ये मैं कहूंगा कि आप प्लीज देखिए क्योंकि ये यूनिक है। मतलब मुझे, मैं एज एन ऑडियंस अगर मुझे लगा कि अच्छा फिर से और एक कॉप एक्शन थ्रिलर आ रहा है, मतलब इसमें नया क्या है, तो नया यही है। और मैं अगर ऑडियंस होता मैं तो इसके लिए ही देखता कि अच्छा लोग खासी में बात कर रहे हैं, लोग मलयालम में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, एक्सेंटेड हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब ये पूरी देश की कहानी है, एक्चुअली पूरी देश की कहानी है। Right. So I think on this note, बहुत सारे लोगों को ये, of course, वैसे तो सबको ये सीरीज देखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे जाबाजों की कहानी है, हमारे हिंदुस्तान की कहानी है। So सुजीत जी, wishing you all the luck कि जिस मेहनत से entertainment आपने ये बनाया है और enjoy करते करते बनाया है, audience भी जब इसे देखे तो उतना ही enjoy करे। And thank you so much for this interview. Thank you so much. Thank you.